आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो आज जो है हम ग्लैडियोलस के बल्ब कैसे लगाते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो बल्ब है मेरे पिछले साल के बल्ब है जिन्हें मैंने सेव करके रख दिया था। और हर बल्ब की जो है दोस्तों लगाने की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। और आज जो है कुछ अलग वैरायटी का जो बल्ब है मेरा, इसे मैं ग्रो करके दिखाने वाली हूँ। तो ये सारे जो बल्ब होते हैं जैसे कैलेडियम, मैं कुछ अलग तरीके से लगाती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है और जिस पर मैं हर हमेशा से स्टडी करती हूँ। तो वो एक्सपीरियंस ये है दोस्तों कि कोई भी बल्ब जब आप मिट्टी में लगाते हैं तो वो रॉट होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए जो है आप इसे रॉट जो है होने से बचाने के लिए इस तरीके से किसी भी एक आपके जो पॉट होते हैं उसमें पहले जो है कोकोपीट डाल दीजिएगा और फिर उसके बाद इसमें जो है आप इस तरीके से बल्ब ग्रो कर सकते हैं। पहले तो इसे 8 दिन से पहले कोकोपीट में रख दीजिएगा और जैसे ही इसमें रूटिंग हो गई हो तब उसके बाद जो है आप इसे पॉट में जो है आप लगा दीजिएगा। तो चलिए इसमें जो है रूटिंग किस तरीके से हुई है वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। एक एक को बाहर निकालते हैं और ये देख लीजिएगा, ये जो है अब बाहर निकाले हैं हमने और इसमें रूटिंग देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सी रूटिंग हुई है। अब इसे जो है हम प्लांट करते हैं। इसमें कई सारे बल्ब हमने लगा दिए हैं लेकिन फ्रेंड्स इसमें से जो ये है बड़े वाले वही जो है इस साल फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन छोटे जो है वो इस साल फ्लावरिंग नहीं करेंगे क्योंकि बल्ब मोटा हो या कॉर्म मोटा हो तो ही ये फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो छोटे बल्ब है इस साल अच्छी तरीके से बड़े हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर जो है वो फ्लावरिंग करेंगे। तो आपको लेना है इसके लिए पॉटिंग मिक्स इस तरीके का, जो मैंने लिया है 40% गार्डन सोइल, ये गार्डन सोइल है, और 30% सैंड, थोड़ा सा जो है मैंने राइस हस्क लिया है ताकि जो हमारा मॉइस्चर हो सॉफ्ट हो जाए। उसमें लिया है मैंने ये नीम खली, एक मुट्ठी नीम खली, ये बोन मील, अगर आप बोन मील यूज़ नहीं करना चाहते तो आप रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं या फिर DAP, लेकिन DAP आपको बाद में डालना है, पॉटिंग मिक्स में नहीं डालना। फंगीसाइड भी लेना है और उसी के साथ लेना है आपको गोबर की खाद। गोबर की खाद लेंगे तो अच्छा होगा, वर्मी कंपोस्ट जो है जितने भी बल्बस प्लांट होते हैं उनमें अगर अवॉइड करते हैं तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में उसके यग्स होते हैं या फिर वर्म्स होते हैं। आपका बल्ब अगर थोड़ा भी ख़राब हो तो जो है उसे पूरा वो ख़राब करते हैं, मतलब पूरा ही खा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता कि ये बल्ब है या खाने वाली चीज़ है। तो इस तरीके से ये फंगीसाइड और ये सारा जो मिश्रण है दोस्तों आप लेकर इसे जो है प्लांट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये रख दिया है और आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, उसमें अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा, ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसमें जो है मैंने सैंड जो रहता है सैंड उसकी मात्रा दी है, मतलब उसकी एक एक मुट्ठी मिट्टी तो भर ली है और उसके बाद उसके ऊपर एक एक मिट्टी जो है मैंने उस मिट्टी के ऊपर एक एक मुट्ठी जो है मैंने सैंड डाल दिया है। ये देख लीजिएगा, ये सिर्फ सैंड है और इस सैंड के ऊपर, इस ठेले के ऊपर ही आपको जो है बल्ब रखना है। तो कैसे रखना है ये देख लीजिएगा, बिल्कुल इस तरीके से, ये देख लीजिएगा, ये जो सैंड का ठेला है इसी के ऊपर जो है आपको सभी बल्ब्स रखने हैं और ये रखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और इस तरीके से जो है आपको रखना है, सेंटर में जो है बड़े बल्ब ही रखिएगा क्योंकि उन्हें फैलने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। और उसी के बाद जो छोटे छोटे थे जिन्हें आप इस साल जो है बड़े करने वाले हैं वो साइड साइड में रखिएगा। सभी में का अंतर जो है दोस्तों 2 से लेकर 2.5 इंच का होना चाहिए ताकि हर बल्ब को अपना स्पेस मिले और अच्छे से फर्टिलाइज़र भी मिले। अब इनको जो है कम से कम 2 इंच तक आपको ढक के रखना है सॉइल मिक्स से। तो सॉइल मिक्स के ढकने के बाद ही हम आपसे मिलते हैं। और उसी के साथ एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है या फिर जो
बात है वो है कि ये जैसे ही बड़े होते हैं तो वो जो है इसमें फ्लावरिंग बर्ड निकलने के बाद झुकने लगते हैं। अगर एक बार आपका प्लांट झुक गया तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और जो है झुकने के बाद शायद आप उसे थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करें और प्लांट आपका टूट जाए। उससे पहले ही जैसे ही आप बल्ब लगाते हैं उसमें एक स्टिक लगानी चाहिए ताकि जो है बाद में प्लांट ना झुके। आप स्टिक तो बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब बाद में लगाएंगे तो बल्ब्स, बेबी बल्ब्स या फिर इसकी रूट जो है वो डैमेज, डेफिनेटली डैमेज हो सकती है। इसीलिए बल्ब लगाते समय ही आपको क्या करना है कि स्टिक लगा देनी है। तो कैसे लगा देनी है चलो देखते हैं। तो स्टिक आपको कुछ इस तरीके से लगा देने चाहिए, किसी भी बल्ब के पास नहीं और रूट के पास भी नहीं, लेकिन बल्ब ग्रो हो जाने के बाद आप उसको जो है बांध सके अच्छे तरीके से। और ऐसा करने के बाद कई लोग जो है दोस्तों बांस की लकड़ियाँ फिर जो दूसरी लकड़ियाँ होती हैं वो लगाते हैं, लेकिन बांस की लकड़ियाँ या फिर दूसरी लकड़ियाँ जो है रॉट हो सकती है, और जब वो लकड़ियाँ रॉट होंगी तो आपका बल्ब भी रॉट हो सकता है। इसीलिए जो पाइप्स रहती है प्लास्टिक की वो मैंने लगा दी है, और इसे अब जो है हम जो पॉटिंग मिक्स है उसे फिर से एक बार फुलफिल कर देंगे, और इस तरीके से फिल करके जो है आपको फंगीसाइड वाला पानी देना है। फंगीसाइड का पानी देने के बाद इसे जो है आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में मत रखिएगा, जहाँ पर जो है बहुत ही कम धूप आती हो, सुबह सुबह की एक दो घंटे की या फिर शाम की एक घंटे की अगर धूप आती हो तो वहाँ पर रख दीजिएगा। और जो है कई जगहों पे इंडिया में कई जगहों पे जो है बारिश हो रही है तब आपको जो है इसे बारिश में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पे सनलाइट भी आती हो, थोड़ी थोड़ी सनलाइट ना भी आए ये ग्रो होने तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 दिन आप इसे शेड में भी रख सकते हैं, और उसके बाद जो है आप इसे धीरे धीरे सनलाइट इसका बढ़ा दीजिएगा, लेकिन बारिश के पानी से इसे ज़रूर बचा लीजिएगा, क्योंकि अभी ये बहुत ही छोटे हैं, नहीं तो रॉट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये अच्छे तरीके से बड़े होने के बाद आप उसमें उसको जो है बारिश का पानी भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना पानी से इसे बचा लीजिएगा। अगर नहीं बचा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम पानी उस पर जो है आए ये कोशिश आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इसे पानी देने के बाद दोस्तों हम आपको जो है कुछ और दिन बाद, मतलब कुछ दिन बाद इसका अपडेट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ 2 मिनट में हमारे गार्डन में जो अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये है वो बेहतरीन सी ब्लूमिंग, ये देख लीजिएगा जीनिया के प्लांट जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स जो है आए हुए हैं, कई कलर्स में ये खिल रहे हैं, ये देख लीजिएगा बहुत ही अच्छा नज़ारा है सुबह सुबह का, और बारिश भी हो रही है, पता नहीं कब वीडियो बना बनाते हुए भी जो है बारिश हो जाए। और ये देख लीजिएगा साइज़ में जो है दोस्तों ये छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी छोटे नहीं है, बहुत ही बड़े बड़े से फ्लावर्स है, ये देख लीजिएगा बहुत ही बड़े फ्लावर्स। और ये देख लीजिएगा मॉर्निंग ग्लोरी, और जो है ये देख लीजिएगा स्ट्रॉबेरी ग्रोमफ्रेना जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बारिश की वजह से ये गार्डन बहुत ही मैशी हुआ है। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।